नमस्कार दोस्तों, और आइए अब हम सभी शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और आज का अभ्यास हम सीधे ही खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों से शुरू करेंगे। तो अब हम सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपने अपने मैट पर खड़े हो जाइए। खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला जो हमारा आसन है उसका नाम है ताड़ासन। सबसे पहले अपने दोनों पांव को आप इस आसन के लिए मिला लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और यहीं से धीरे धीरे सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे हम, और जितना शरीर को खींच सकते हैं ऊपर की तरफ हम अपनी हथेलियों को सामने रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे, और यहीं से सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। एक बार और लंबा गहरा सांस लेते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे सभी हम। इस आसन को आप अपने दोनों टोज के ऊपर आकर के भी सीधा ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम धीरे से दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। बहुत ही धीरे धीरे आपको आसन में जाना है और बहुत ही धीरे धीरे आपको आसन से वापस आना है। बिना किसी झटके के आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारा दूसरा खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास है अर्धकटी चक्रासन, जिसमें आप अपने दोनों पांव को खोलेंगे और ये आसन दोनों पांव को मिलाकर के भी किया जा सकता है। तो हम इस आसन का अभ्यास दोनों पांव को मिलाकर के करेंगे। इसमें अपने राइट हैंड को धीरे धीरे साइड से ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, और सांस को छोड़ते हुए अब धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने लेफ्ट साइड में शरीर को कमर को नीचे की तरफ झुका दे जाएंगे और अपनी हथेली को नीचे जमीन की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ वापस आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी करेंगे हम। दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ यहां उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अब दूसरे हाथ की तरफ नीचे की तरफ चल जाएंगे। यहां सांस सभी का सामान्य चलेगा, चेहरा बिल्कुल सामान्य हो सके तो चेहरे पर हंसी। प्रसन्न मुद्रा में हम आसन का अभ्यास करेंगे। अब यहीं से हम नीचे बैठ करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी अपने अपने मैट पर नीचे की तरफ बैठ जाइए, और सबसे पहला आसन हमारा नीचे बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है हमारा अर्धकोष्ठासन। इसके लिए आप सभी दोनों घुटनों के बल इस तरह से यों ऊपर आ जाते हैं और अपने पंजों को आप अंदर की तरफ यों घुमा देते हैं। कमर को आप बिल्कुल सीधा रखते हैं, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए कमर पे रखते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पीछे की तरफ सांस को अंदर बढ़ते हुए मोड़ते हैं और अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ क्षमता के अनुसार रोकने के बाद में धीरे धीरे वापस अपनी बॉडी को सामान्य अवस्था में ले आते हैं और वापस हम नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। नीचे बैठ करके किए जाने वाले आसनों में हमारा दूसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आप दोनों पांव को सीधा करके यहाँ बैठते हैं और लंबा गहरा सांस से भी अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं, कमर को जितना हो सके सीधा रखते हैं। पश्चिम का मतलब होता है आपकी कमर, तान का मतलब होता है उसे खींचना। तो इस आसन में हम कमर को खींचते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे यहाँ झुकते जाते हैं। बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे हम और अंतिम अवस्था में अपने दोनों पांव को पकड़ के कमर को और आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने घुटनों से भी आगे अपने सर को ले जाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ
हाथों से पांव को पकड़े रखते हुए गर्दन को उठाएंगे हम, और धीरे धीरे ही बिना किसी झटके के कमर को उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से हम नीचे की ओर ले आते हैं। तो हमारा अब ये था नीचे बैठ करके किए जाने वाले अभ्यास। अब हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो है नीचे लेट करके, सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन। तो इस आसन के लिए आप सभी अपने अपने मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए आइए हम सभी लेटते हैं। तो हमारा सबसे पहला आसन है सेतु बंधासन, जिसके लिए आप सभी अपने दोनों पांव को मोड़ते हैं और दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर जितना गैप रखेंगे, ज्यादा हम शोल्डर्स से ज्यादा घुटनों को नहीं खोलेंगे, और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पे रखते हुए सांस को नाक से अंदर भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने शरीर को हम एक पुल की भांति, एक ब्रिज की तरह शेप देंगे। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन कमर दर्द में और कमर की स्टिफनेस को दूर करता है, कमर की जकड़न को दूर करने वाला आसन है, और इसमें जितना आप खींच सकते हैं शरीर को ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। अब आप सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने कमर को ले आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे आपको आसन में जाना है और धीरे धीरे ही आसन से वापस सामान्य अवस्था में आना है। इसी क्रम में हमारा दूसरा आसन है नीचे लेट करके, सीधे लेट करके, वह है अर्धहलासन। इसमें आप सभी अपने दोनों पांव को बहुत ही धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाते हैं और पांव को 90 डिग्री पर ला करके रोक लेते हैं। इस तरह से बिना पांव को मोड़े आप कोशिश करें कमर को जमीन से लगाए रखते हुए, श्वास को सामान्य रखते हुए अपने दोनों पांव को 90 डिग्री पर सीधा रोकेंगे, क्योंकि ये हमारा अर्धहलासन है तो हम इसमें बॉडी को, पांव को पीछे नहीं ले जाएंगे, 90 डिग्री पर ही रोकेंगे और यहाँ पर श्वास को सामान्य रखेंगे। अब आप धीरे धीरे दोनों पांव को नीचे ले आएंगे। ये थे हमारे सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन। अब हम उल्टे लेट करके किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी दोनों पांव को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाइए और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों में हमारा पहला अभ्यास है भुजंगासन, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में, हथेली को जमीन पे लगा लेते हैं और धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हम आधा ही कमर को ऊपर उठाते हैं, जहां तक हमारी लेवल है नाभि तक कमर को ऊपर उठाएंगे और सामने देखेंगे। श्वास का क्रम सामान्य चलता रहेगा और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। ये था हमारा भुजंगासन। अब हम दूसरा आसन जो करने जा रहे हैं पेट के बल लेटने वाला, उसका नाम है शलभासन। इसके लिए आप अपने दोनों हथेलियों को थाईस के नीचे लगा देंगे और सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को से पुश करते हुए सहारा लेते हुए अपने दोनों पांव को जमीन से ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे आपकी चिन जमीन से ऊपर ना उठे। और बहुत ही धीरे धीरे हम पांव को जमीन पर रख लेंगे। इसके बाद में हम सभी अब मकरासन में ही थोड़ा शरीर को आराम देंगे। यहां पर शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए।
मिनट आराम के बच जाते हैं, हम वापस सीधे लेट जाएंगे और करवट लेकर के हम ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये था हमारे आसनों का अभ्यास जो कि अब हमने पूरा कर लिया है। इसी तरह से आप धीरे धीरे हर दिन रोज यही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि शरीर स्फूर्तिवान, चमकदार और तेजोमय बन चुका है। तो अब हम आसनों के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिस क्रम में हमारा पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम इसका अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एक नाक से धीरे धीरे सांस लेते हैं। कोशिश करें 5 सेकंड सांस लेने की और उसे धीरे धीरे दूसरे नाक से 10 सेकंड तक छोड़ने की। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। हर सांस को पेट तक उतारते हुए सांस लेंगे और डबल मात्रा में सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। आपके हार्ट के लिए, हृदय की गतिविधि को सरल रूप से कार्य करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही असाधारण प्राणायाम आपके हार्ट के लिए। नित्य इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक हम कर सकते हैं। और अब हमारा प्राणायाम के बाद में इसी क्रम में, प्राणायाम के ही क्रम में दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो कि आपके मन की सभी अशुद्धियों को दूर करता है। कपाल का मतलब होता है आपका चेहरा और भाति का मतलब होता है चमक। तो अपने चेहरे पर प्राकृतिक रूप से एक तेजोमय तेज बनाए रखने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। आइए अब सभी हम इसका अभ्यास करते हैं। सांस को छोड़ते समय हम पेट को अंदर की तरफ पुश होने देंगे और थोड़ा झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। और इसके अभ्यास के बाद कुछ समय तक थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे। हम कमर को सीधा रख करके इसके असर पर ही ध्यान लगाएंगे ताकि इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को, आपके मन को, विचारों को, मस्तिष्क तक पहुँच सके। एक प्राणायाम के बाद में दूसरा प्राणायाम के लिए आप कुछ समय का गैप जरूर दें शरीर को। प्राणायाम के ही क्रम में हमारा जो तीसरा प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, धौंकनी। इसमें शरीर को, अपने पेट को धौंकनी की तरह हम फुलाते हैं और पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस लेते समय पेट पूरा फुलाएंगे हम और समान मात्रा में ही सांस को छोड़ेंगे। चलिए आइए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। हम
इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान दें, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है इसका अभ्यास ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे। और हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास आप किसी योग के प्रशिक्षक की देखरेख में ही इसका अभ्यास करेंगे, इसका अभ्यास जारी रखेंगे सभी हम। भस्त्रिका प्राणायाम आपके पूरे शरीर की जितने भी नर्वस सिस्टम है आपका पूरा वो एक्टिवेट करता है प्राणायाम, और हार्ट के फंक्शन को थोड़ा फास्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है पूरी बॉडी में और पूरे ब्लड को प्योरीफाई करता है। इस अभ्यास के बाद में हम थोड़ा सा आराम देंगे शरीर को, अपने सांसों को, ताकि सांस वापस सामान्य हो जाए। प्राणायाम के ही क्रम में हमारा चौथा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि ये इसके नाम से ही जैसा पता चलता है भ्रामरी की गुंजन करते हुए हम पूरे सांस को छोड़ते हैं, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो वाइब्रेट होता है, मस्तिष्क में जो तरंगे पैदा होती हैं वाइब्रेट होता है, इससे आपके मस्तिष्क का मसाज होता है, तो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और आपके हृदय की गतिविधि को भी सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए मदद करता है। तो आइए अब हम इस सभी इसका अभ्यास करते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आप सभी दोनों कानों को अंगूठों से बंद करते हैं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आंखों को बंद कर लेते हैं, तो न तो आप बाहर का देख रहे हैं इस समय और न ही बाहर का सुन रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आप जो आवाज़ निकालेंगे उसी पर अपने आप ही चला जाता है। तो हम पूरा सांस लेंगे और 3 बार इसका अभ्यास हम कम से कम 1 बार में करते हैं। आइए सभी इसका अभ्यास शुरू करेंगे हम। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और लंबा सा गहरा सांस लेंगे हम नाक से और नाक से छोड़ेंगे, मुंह को इस प्राणायाम में हमेशा हम बंद ही रखेंगे। कमर को सीधा रखते हुए लंबा सांस लीजिए। इस प्राणायाम के बाद में आप कुछ समय तक आंखों को बंद ही रखेंगे और जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करे हैं आपके मस्तिष्क में उन वाइब्रेशन को फील करेंगे, उसके असर को महसूस करेंगे, और जो आपने आवाज़ निकाली थी भंवरे की गुंजन की उसके इको साउंड को हम वापस सुनेंगे, ताकि इस प्राणायाम का असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को मस्तिष्क को हो सके। तो मित्रों ये था हमारा प्राणायाम का अभ्यास और अब हम कक्षा की समाप्ति की तरफ हैं। तो हम अब कक्षा को समाप्त करने से पहले जो प्रणव जप है उसका उच्चारण 3 बार हम करेंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाइए, कमर को सीधा रखते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, और अब हम सभी लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आइए लंबा गहरा सांस लीजिए।
मन को शांत और ऊर्जा से भर देने वाले इस प्रणव जप के उच्चारण के बाद में दोस्तों अब हम सभी शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। इस आशा के साथ में कि आप सभी जीवन पर्यंत ये अभ्यास जारी रखेंगे, आपके मंगल कामना के साथ में इस कक्षा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।